शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सिसोदिया को पहली बार आरोपी बनाया गया है। सिसोदिया के अलावा जांच एजेंसी की चार्जशीट में हैदराबाद के सीए बुच्ची बाबू कोरंटला, अर्जुन पांडे और अमनदीप सिंह ढल का भी नाम आरोपी के रूप में शामिल है। कोर्ट चार्जशीट पर 12 मई को सुनवाई करेगा। बुच्ची बाबू गोरंटला तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी कविता के सीए हैं। इस मामले में कविता से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। चार्जशीट में एजेंसी ने कहा कि इस मामले में बड़ी साजिश और अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आखिरी चार्जशीट 25 नवंबर 2022 को फाइल की थी। मामले में अपनी पहली चार्जशीट में सीबीआई ने आरोप लगाया कि संदिग्ध अभिषेक बोयिनपल्ली ने साउथ ग्रुप के इशारे पर 20-30 करोड़ रुपए जुटाए। ये पैसा विजय नायर को दिनेश अरोड़ा के माध्यम से जुलाई और सितंबर 2021 के बीच नकद दिया गया था। यह भी आरोप लगाए गए हैं कि सिसोदिया ने महेंद्रू की कंपनी इंडो स्पिरिट की एप्लीकेशन पर कार्रवाई करने के लिए व्यक्तिगत रूप से दखल दिया था। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।